सो हेलो एडिटर, फिर से एक नए वीडियो आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ इस टाइप का होली स्पेशल फोटो एडिट करना सीखेंगे। देख सकते हो तो कितना ओपी लेवल का मेरा हाईपी होली का फोटो एडिट हो चुका है। एंड आप लोग भी इस टाइप का होली फोटो एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्या करना है कि बिना स्किप किए कम्प्लीट देख लेना, तो आप लोग भी सेम टू सेम इस टाइप का हाईपी होली फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। बस अब तेज वीडियो क्या करना है कि शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है, बिना स्किप किए हुए तो ही सीख पाएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो ओके डन कर, सबसे पहले क्या करना है, होम स्क्रिप्ट में आना है एंड यहाँ से पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। देख सकते हो मैं पिक्सआर्ट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग भी पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो ये प्लस के आइकन, जस्ट नाउ इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है, प्लस के आइकन पर। एंड इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर मिलेगा एडिट ए फोटो, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हो मैं ऐड कर चुका हूँ। सो गाइस जितने इस वीडियो में बैकग्राउंड npng यूज होगा आपको, और बैकग्राउंड npng इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोडिंग कर लेना। एंड बैकग्राउंड लेने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से टूल्स पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से सबसे पहले रिसाइज पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। रिसाइज करेंगे कि हम लोग का फोटो का क्वालिटी हाई रहेगा, लो नहीं होगा, ठीक है। आप लोग रिसाइज कर लेना एंड यहाँ से रिसाइज क्लिक कर देंगे। उसको इधर स्क्रोल करना है, स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर मिलेगा एड फोटो, तो एड फोटो पर क्लिक कर देना है। सो एड फोटो पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे कि अपना मॉडल यानी फोटो ऐड कर लेंगे जो एडिट करना है। तो देख सकते हो मॉडल एंड एक गर्ल png ऐड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाएगा, वो भी वन क्लिक में। कैसे हटाएंगे, सबसे पहले अपने डाटा को ऑन कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पर मिलेगा इरेज, तो इरेज पर क्लिक कर देना है। सो इरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा पर्सनल, तो पर्सनल को सिलेक्ट करेंगे जिससे वन क्लिक में ही हम लोग का फोटो का बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा। तो देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड हट चुका है, एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देना। उसके बाद अच्छा से बैठा लेंगे, इस टाइप से करके अपना मॉडल बैठा लेना है। एंड उसके बाद गर्ल पेंज पर क्लिक करना है, इसको भी बड़ा करके अच्छा से बैठा लेंगे कुछ इस टाइप से करके। ओके ये देख सकते हो परफेक्ट बैठ चुका है एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देना हो, तो ये राइट का ऑप्शन। एंड राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड png ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं png को। सो ओके गाइस देख सकते हो यहाँ पर png ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस png पर क्लिक पकड़ेंगे एंड इसको बड़ा कर लेंगे कुछ इस टाइप से, बैकग्राउंड मतलब फुल बैकग्राउंड पर बैठा लेना है। एंड उसके बाद स्क्रोल करना होगा, स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर मिलेगा एक ब्लेंड, तो देख सकते हो ये ब्लेंड, जस्ट ब्लेंड पर क्लिक कर देना है। एंड तीन नंबर मिलेगा मल्टीपल, तो ये मल्टीपल क्लिक कर देंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एंड राइट क्लिक कर देना होगा। राइट क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ से एड फोटो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर से एड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड png ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर png ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस png पर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर लगे शॉर्ट पर बैठा लेंगे। उधर उसके बाद इधर स्क्रॉल करके ब्लेंड पर क्लिक कर मल्टीपल कर लेंगे, तो देख सकते हो बैठ चुका है शॉर्ट पर, कितना अच्छा लग रहा है। डुप्लीकेट बना लेना, तो कैसे डुप्लीकेट बनाएंगे, लेयर पर क्लिक कर देना एंड यहाँ डुप्लीकेट बना लेना है। ओके एंड बनाने के बाद इसको इस साइड ले आके बैठा लेंगे, देख सकते हो ये भी बैठ चुका है। एंड इसको बैठाने के बाद क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी हल्का सा कम कर लेंगे, ठीक है, इतना करके रख लेंगे। अपने फोटो का काम कर लेना एंड इस कलर को ले जाकर अपने फेस पर बैठा लेना है। एंड उसके बाद इधर स्क्रॉल करके ब्लेंड पर क्लिक करके मल्टीपल कर लेना है, देख सकते हो ये बैठ चुका है। एंड उसके बाद डुप्लीकेट बना के इसको इस फेस पर मतलब इस साइड ला के बैठा लेंगे कुछ इस टाइप से करके, तो अभी बैठ चुका है। एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, तो ये फाइनली हम लोग png हो चुका है। एंड अब क्या करेंगे, टेक्स्ट png ऐड कर लेंगे होली का, तो ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे एंड एक टेक्स्ट png को ऐड कर लेंगे। देख सकते हो मैं ऐड कर चुका हूँ होली, एंड इसको ऊपर ले आके टेक्स्ट को इस टाइप से थोड़ा रोटेट करके यहाँ पर बैठा लेंगे, तो ये भी परफेक्ट बैठ चुका है, देख सकते हो आप लोग। एंड यहाँ राइट क्लिक कर देंगे तो फाइनल पिक्सार से जो एडिटिंग है कम्प्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ सेव करेंगे, तो ऊपर मिलेगा एक सेव का ऑप्शन, तो देख सकते हो ये रहा सेव, तो इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद ये फोटो जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। सेव तो सेव हो जाने के बाद क्या करना है, यहीं से मोड पर क्लिक कर देना है, देख सकते हो ये मोड पर क्लिक करना है। जस्ट नाउ मोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लाइटरूम खुल जाएगा, तो लाइटरूम में शेयर कर लेंगे इस फोटो को। तो ये देख सकते हो हमारा i2LR आ गया, तो इस पर क्लिक करेंगे, उसको लाइटरूम का ऊपर से नोटिफिकेशन गिर जाएगा, तो नोटिफिकेशन में क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे ऊपर से खींचेंगे तो नोटिफिकेशन देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो लाइटरूम ओपन हो जाएगा। एंड लाइटरूम आने को ऑल फोटोज पर क्लिक कर देना है, तो ये ऑल फोटोज, ऑल फोटोज पर क्लिक करने वाले यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग का फोटो जो है आ चुका है, तो अपना फोटो पर एक बार क्लिक कर देंगे। ओके तो कुछ इस टाइप से लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, ठीक है।
उसका क्या करेंगे, जब स्क्रॉल करके आ जाएंगे यहाँ पे मिलेगा लाइट, तो लाइट पर क्लिक कर देना है। लाइट पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, ब्लैक को कम कर लेंगे एंड यहाँ से वाइट को कुछ बढ़ा लेंगे, ठीक है। वाइट को भी कम कर लेना है, अपने फोटो के कारण शैडो बढ़ा लेना है, हाईलाइट भी बढ़ा लेना है, कंट्रास्ट को कम कर लेना है एंड यहाँ से कलर पर क्लिक कर देंगे। कलर पर क्लिक करके यहाँ नीचे आना है, वाइब्रेशन बढ़ा लेना है, उसके बाद मिक्स पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऊपर आएंगे मिक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके सबसे पहले ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसका सेचुरेशन जो है कम कर लेना है, लेमिनेशन को बढ़ा लेना है एंड ह्यू भी यहाँ से कम कर लेंगे, ठीक है। अपने फोटो अकाउंट कर लेना है, रेड कलर का सेचुरेशन बढ़ा लेना है एंड लेमिनेशन को क्या करना है कि यहाँ से कम कर लेना है हल्का सा। उसके बाद इस कलर पर क्लिक करेंगे, येलो कलर पर इसका सेचुरेशन जो है कम कर लेंगे एंड लेमिनेशन को भी कम कर लेना है। उसको ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे एंड ग्रीन कलर पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इसका भी सेचुरेशन जो है कम कर लेना है हल्का सा, ठीक है। एंड उस लेमिनेशन को भी कम कर लेना है। ब्लू का भी सेचुरेशन बढ़ा लेंगे एंड लेमिनेशन कम कर लेंगे, इसका भी सेचुरेशन बढ़ा लेना है एंड इसका लेमिनेशन कम कर लेना है, ठीक है। एंड इसका आप लोग सिचुएशन बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लेना एंड कम करना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होगा तो ह्यू पे क्लिक करेंगे एंड इस तरह से करके चेंज कर लेंगे, डन क्लिक कर देना। उसके बाद तो यहाँ से क्या करेंगे, डन क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा कम करके डन क्लिक कर देंगे, उसको यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करके क्लैरिटी बढ़ा लेना है, नीचे आना है, वाइब्रेशन वेंटीज को कम कर लेना है एंड डिटेल से क्लिक करके सैंपलिंग बढ़ा लेना, नीचे आना नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा लेना है, कलर नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा लेना है, नीचे आकर स्मूथ एंड डिटेल को हैंडल कर देना है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो होली का फोटो एडिट हो चुका, कितना ओपी लेवल का लग रहा है। अब इस फोटो को फाइनली सेव करना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर मिलेगा एक शेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना एंड इस पर क्लिक करने से सेव टू डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फोटो इजीली गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।